गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू योर एजुकेशन चैनल ई लर्निंग कोर्सेस। ये हमारा फिशर इसका मतलब फ्रेश वाटर फिश कल्चर का थर्ड लेक्चर होने वाला है। तो आई होप यहाँ पे आने से पहले आपने इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 01 और इंट्रोडक्शन टू फिशरीज लेक्चर 02 देख लिया होगा। ओके, और उनके नोट्स भी निकाल दिए होंगे, तो इस लेक्चर के भी नोट्स बिल्कुल निकालना। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे वॉट आर कार्प्स, इंडियन मेजर कार्प्स क्या है, कौन से है, वॉट आर एग्जॉटिक कार्प्स वो कौन कौन से हैं, मोनोकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, पॉलीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, मोनोसिक्स कल्चर क्या होता है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज करेंगे हम। तीन बेसिस पे हम फिशरीज को क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे वॉट इज इंटीग्रेटेड पेडिकम फिश कल्चर, उसके बाद देखेंगे प्लैंकटन्स, उसके बाद देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ कल्चर्ड फिशेज, फिर देखेंगे फर्टिलाइजेशन ऑफ गमेट्स, फिशेज में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल होता है और क्या प्रोसेस है उसकी। उसके बाद देखेंगे हम फिश पॉन्ड्स और एंड में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद कार्प्स। व्हाट आर कार्प्स? द फिशेज बिलोंगिंग टू ऑर्डर साइप्रिनिफॉर्मिस, ओके, आर नोन एज कार्प्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड साइप्रिनिड्स। एग्जाम्पल रोहू, कतला, मृगल। रोहू इज योर लेबियो रोहिता, कतला इज कतला कतला एंड मृगल इज सेरिनस मृगला। तो क्या होता है, जो फिशेज साइप्रिनिफॉर्मिस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं दे आर नोन एज कार्प्स। साइप्रिनिफॉर्मिस ऑर्डर मतलब क्या, अपना हायरार्कियर सिस्टम वाला ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ओके। एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्प्स आर टीथलेस, इनको टीथ नहीं रहते हैं, देयरफॉर दे हैव लेदरी माउथ, लेदरी स्ट्रक्चर का उनका माउथ रहता है, दस दे मेजरली फीड ऑन प्लैंकटन्स, ओके। अभी टीथ नहीं है इसलिए वो कार्निवोर नहीं हो सकते, बाकी फिशेस पे फीड नहीं कर सकते, देयरफॉर दे आर हर्बीवोर और प्लैंकटिवोर, ग्रेट। उसके बाद हम देखेंगे इंडिजिनस इंडियन मेजर कार्प्स। फर्स्ट वन इज लेबियो रोहिता, कॉमन नेम इज रोहू। नेक्स्ट इज कतला कतला, कॉमन नेम इज कतला। नेक्स्ट इज सिरिनस मृगल, कॉमन नेम इज मृगल। और थ्री है रूडिमेंटरी बार्बल्स। कार्प्स में जनरली डोमिनेंट बार्बल्स नहीं रहते हैं, रूडिमेंटरी बार्बल्स रहते हैं, ओके। द रीजन दे आर मेजर कार्प्स बिकॉज दे रिक्वायर लेस टाइम टू अटेन मार्केटेबल साइज और टेबल साइज। क्यों कहते हैं उन्हें मेजर कार्प्स, ओके, क्वेश्चन सवाल आ सकते हैं किसी के भी दिमाग में, मेजर कार्प्स तो है बट क्यों है वो मेजर कार्प्स? क्योंकि उनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किया जाता है, इंडिया में सबसे ज्यादा उनका प्रोडक्शन किया जाता है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंडियन मेजर कार्प्स। क्यों किया जाता है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन? क्योंकि वो जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं, जल्दी से वो मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं, लगभग एक साल में उनका प्रोडक्शन हो जाता है, ओके। इंडियन माइनर कार्प्स इंक्लूड लेबियो बाटा, लेबियो बाइकलर एंड मेनी मोर। तो मेजर कार्प्स है तो कुछ ऐसे भी कार्प्स हो गए जिनको जिनका प्रोडक्शन किया जाता है, बट इट टेक्स लॉन्ग टाइम देन मेजर कार्प्स, दे रिक्वायर मोर टाइम टू अटेंड द डिमांडेड साइज, ओके। दिस स्पीशीज आर इंडिजिनस टू अस, ये अभी जो भी स्पीशीज हमने पढ़े, लेबियो बाइकलर, लेबियो बाटा, लेबियो रोहिता, कतला कतला, सिरिनस मृगला, दे आर ऑल इंडिजिनस टू अस, ओके। इंडिजिनस मतलब क्या, हमने वो फर्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ा, इंडिजिनस मतलब विच बिलोंग्स टू ओरिजिन। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, अगर ए फिश है एक और एक फिश है बी, ओके, अगर ए फिश बिलोंग करती है इंडिया को, ओके, एंड बी फिश बिलोंग करती है चाइना को, तो ए फिश नेटिवली इंडिया को बिलोंग करती है, इसलिए ए फिश जो होंगी वो इंडियंस के लिए इंडिजिनस होगी, बट चाइनीज लोगों के लिए ए फिश जो रहेंगी वो होंगी एग्जॉटिक मतलब नॉन इंडिजिनस। वैसे बी फिश जो है वो चाइनीज लोगों के लिए क्या होंगी, इंडिजिनस, बट बी फिश जो है वो इंडियन लोगों के लिए क्या रहेंगी, एग्जॉटिक। व्हाई? बिकॉज बी फिश नेटिवली बिलोंग्स टू चाइना, ओके। आई होप आपको समझ गया होगा ये, ग्रेट। तो बढ़ते हैं सामने एग्जॉटिक कार्प्स मतलब नॉन इंडिजिनस, अभी देखा हमने। फर्स्ट इज यूरोपियन कार्प। यूरोपियन कार्प मतलब क्या, इट विल नेटिवली बिलोंग्स टू यूरोप, ग्रेट, बट इनको ह्यूमंस के द्वारा इंडिया में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। साइप्रिनस कार्पियो, इन्हें कॉमन कार्प भी कहा जाता है। ये अभी जो भी फिशेज हम देख रहे हैं ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर दिए थे हमने,
और तब वहाँ पे आपको अच्छे से इनके डायग्राम्स भी दिखाए गए थे। वो डायग्राम्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे बिकॉज आपको प्रैक्टिकल्स में हेल्प करेंगे, तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आर चाइनीज कार। हमने अभी क्या है, साइप्रिनस स्कॉर्पियो देखा, वो था यूरोपियन कार। नेक्स्ट इज चाइनीज कार। फर्स्ट इज हाइपोप्थैल्मिथिस मोलिट्रिक्स, इट इज सिल्वर कार। व्हाइट इज सिल्वर कार बिकॉज इनकी स्किन जो रहती है वो सिल्वरी कलर की रहती है। नेक्स्ट इज किनोफेरिंगोडॉन इडेला, इट इज ग्रास कार। ओके, बोथ आर चाइनीज कार्स, मींस नेटिवली दे बिलोंग्स टू चाइना। अभी ये नाम जो है वो कंटिन्यूअसली आते रहेंगे आपके सिलेबस में, इसलिए याद करने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है तो आप इसे तोड़ के ध्यान में रख सकते हैं। कैसे, हाइपो थैलमिक थिस मॉलिट्रिक्स, ओके, वैसे इसका टीनो फेरिंगो डॉन इडेला। आप पेज पे लिख के दीवार पे पेज को चिपका दीजिए और रोज सुबह शाम एक एक बार पढ़ लिया कीजिए उसे, आपके 7 दिन में ये ना याद हो जाएंगे। ग्रेट। अभी हम देखेंगे मोनोकल्चर प्रैक्टिस। ओके, इन दिस काइंड ऑफ कल्चर ओनली वन काइंड ऑफ फिश इज कल्चर्ड, ठीक है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पॉलीकल्चर प्रैक्टिस देखा था, उसमें हमने 3 या फिर 3 से ज्यादा काइंड की फिशेस प्रोड्यूस कर सकते थे, बट मोनोकल्चर प्रैक्टिस में सिर्फ एक एक ही काइंड की फिश प्रोड्यूस की जा सकती है। इसके भी कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम देखेंगे। ओके, मोनोकल्चर प्रैक्टिस हैव सम डिसएडवांटेजेस डिपेंडिंग ऑन द बायर्स चॉइस। इफ देयर सम चेंज इन चॉइस ऑफ बायर, प्रोडक्शन विल रिमेन एंड रिजल्ट इन जंक, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक सिटी में रह रहे हैं, ओके, ये सिटी के लोगों को कोई ए फिश बहुत ज्यादा पसंद आती है, ओके। अभी क्या करेगा कोई भी सेलर, सिर्फ ए फिश का प्रोडक्शन करेगा बहुत ज्यादा, ठीक है, सिर्फ ए फिश का ही प्रोडक्शन करेगा क्योंकि उस रीजन के लोग जो है वो ए फिश को ही ज्यादा पसंद करते। बट सडनली लोगों की चॉइस जो है वो चेंज होगी और वो अचानक से बी फिश को पसंद करने लगे, तो जो ए फिश का जो प्रोडक्शन हुआ था इतना सारा वो तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग जो बी फिश को ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से बाहर गांव से या कहीं से भी बी फिश को लाएंगे और इसलिए वो सेलर का घाटा हो जाएगा। तो इस वजह से ये एक ही ऐसा पॉइंट है या फिर एस्पेक्ट है जहां पे मोनोकल्चर प्रैक्टिस है वो डिसएडवांटेजेस है। बट अगर कोई इतना कॉन्फिडेंट है सेलर कि वहां के रीजन के लोग कभी वो उस फिश को नापसंद कर ही नहीं सकते, ओके, तब ये मोनोकल्चर प्रैक्टिस है वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हो जाती है। ओके, वही वही दिया है यहाँ पे, इफ द पीपल इन द रीजन ओनली लव्स अ सिंगल काइंड ऑफ फिश, एक ही काइंड की फिश को पसंद करते हैं, देन दिस कल्चर विल बी एडवांटेजियस टू लार्ज एक्सटेंट। जैसे इस शहर के लोग कभी ए को नापसंद कर ही नहीं सकते, वो बी की तरफ जाएंगे ही नहीं, इतना अगर कॉन्फिडेंस है सेलर को, तो जो ए फिश है उस सिर्फ उसी का मोनोकल्चर प्रैक्टिस की जाएगी। ग्रेट। नेक्स्ट इज पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मोर देन वन काइंड ऑफ फिश इज कल्चर इसमें, ठीक है, मोस्टली कतला रोहू एंड मृगल को इसमें कल्चर किया जाता है, या फिर योर एग्जॉटिक कार्प, कॉमन कार्प, ग्रास कार्प एंड योर सिल्वर कार्प। तो ये है पॉलीकल्चर प्रैक्टिस। इसमें क्या होता है, अभी फॉर एग्जाम्पल एक पॉन्ड ले लेते हैं हम, इतना दिस इज अ पॉन्ड, ओके, इसमें 3 रीजन हम देखेंगे, एक तो सरफेस रीजन, नेक्स्ट इज मिडल रीजन एंड थर्ड वन इज बॉटम रीजन। अभी ये रीजन किस फैक्टर्स पे इनको बांटा गया है ये एक बार हम देख लेंगे। द सरफेस रीजन, सरफेस रीजन में जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा आती है, ओके। नेक्स्ट मिडल रीजन, मिडल रीजन में सनलाइट का पेनिट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है बट वहां पे भी सनलाइट प्रेजेंट रहती है, और बॉटम रीजन में सनलाइट नहीं पहुंच सकती, वहां तक तो उसका पेनेट्रेशन नहीं हो सकता। तो ये 3 रीजन है, ओके, पॉन्ड के। तो अभी फिशेस जो है, कुछ फिशेस रहेंगे जिन्हें सनलाइट बहुत ज्यादा चाहिए रहेंगे, कुछ को मॉडरेट चाहिए रहेंगे, और कुछ को सनलाइट की जरूरत नहीं रहेंगी, वो उसके बिना भी सर्वाइव कर पाएंगे। तो उस हिसाब से ये फिशेस है वो अलग अलग रीजन में प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कतला है, कतला इज अ सरफेस फीडर, वो सरफेस रीजन में रहती है। रोहू इज मिडल रीजन, मिडल फीडर,
इसलिए वो मिडल रीजन में प्रोड्यूस की जाती है। और थर्ड वन इज ब्रिगल, ये बॉटम रीजन में फीड करती है। ओके वैसे ही दीज आर ऑल इंडिजिनस कार्ब्स, ओके योर इंडियन मेजर कार्ब्स। नाउ दीज आर एक्सोटिक कार्ब्स। फर्स्ट इज सिल्वर कार्ब। सिल्वर कार्ब मतलब योर हाइपोथैलेमस मोलिट्रिक्स, ये सरफेस रीजन में फिट करते हैं, इट इज सरफेस फिटर। नेक्स्ट इज ग्रास कार्ब। ग्रास कार्ब मतलब योर हाइपोथैलेमस, नो नो नो, ग्रास कार्ब मतलब योर टीनोफेरिंगोडॉन इडेला। एंड थर्ड वन इज कॉमन कार्ब। कॉमन कार्ब मतलब साइप्रिनस स्कॉर्पियो, इट इज बॉटम फीडर। ग्रेट, तो ये जो कॉमन कार्प है साइप्रिनस स्कॉर्पियो, इसका हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसका रेफरेंस आने वाला है, जब हम वीड्स को इरेडिकेट, वीड्स को जब खत्म करेंगे, एक्वेटिक वीड्स को, तब इसका रेफरेंस आएगा। ये क्या है, ये बॉटम फीडर है। बॉटम फीडर होने की वजह से ये जो नीचे की जमीन है वहां पे खुद का खाना ढूंढती है, इससे पूरी जमीन वो खोद के रखती है। जब वो खोदती है जमीन खुद का खाना ढूंढने के लिए, ये फिश कॉमन कार्प, तब वो वीड्स को भी निकाल देती है। ओके इस वजह से ये बहुत हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज मोनोसेक्स कल्चर। व्हाट इज मोनोसेक्स कल्चर? इन दिस टाइप ऑफ कल्चर ओनली वन सेक्स ऑफ फिश इज कल्चर्ड। ओके एग्जांपल ओनली फीमेल ऑफ रोहू। व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? क्यों ऐसा किया जाता है? क्या जरूरत है कि एक ही सेक्स को कल्चर किया जाए और दूसरे को नहीं? फॉर एग्जाम्पल हमें अभी सिर्फ फिश के एग्स चाहिए। ओके फिश के एग्स मार्केट में अलग से सेल किए जाते हैं एंड एट वेरी हाई कॉस्ट। तो सिर्फ फीमेल फिश का प्रोडक्शन किया जाएगा और फिर उनसे एग्स को कलेक्ट किया जाएगा और मार्केट में सेल किया जाएगा, ये एक उसका सिग्निफिकेंस है। उसके साथ साथ अगर हमें इस फिश के एग्स का किसी और फिश के मेल के साथ क्रॉस करना है तो तब भी इसका सिग्निफिकेंस आता है। ग्रेट। नेक्स्ट इज योर इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ फिशेस नहीं रहते, फिशेस के साथ बाकी कुछ एनिमल्स को भी प्रोड्यूस किया जाता है, बट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। ओके दे आर हेल्पफुल फॉर ईच अदर। तो देखते हैं ये क्या है। फिशेस आर कल्चर्ड इन पॉन्ड। ग्रेट, पॉन्ड इज कवर्ड बाय नेट। ठीक है, ऑन द नेट पोल्ट्री पिग्स गोट्स डक्स एक्सेट्रा कैन बी कल्चर्ड। ठीक है, सीधी सी बात है, एक पॉन्ड है, दिस इज द पॉन्ड फॉर एग्जाम्पल। ये पॉन्ड को नेट से कवर किया गया, यहाँ पे एक शेल्टर बनाया गया और इसके अंदर कोई भी एनिमल को आप कल्चर कर सकते हो, और पिग भी रह सकते हैं, हेन भी रह सकते हैं, मोस्टली इंडिया में हेन्स को रखा जाता है। ओके दिस इज पॉन्ड, यहाँ पे शेल्टर बनाया गया ऊपर और इनमें हेन्स को रखा जाता है। अब क्या है, क्या फायदा है उसके ऊपर ऐसा बनाने का, वो देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड पोल्ट्री फिश फार्मिंग, इंटीग्रेटेड डक कम फिशरीज। पोल्ट्री मतलब हेन्स को रखते हैं, डक कम में डक्स को कल्चर किया जाता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दीज एनिमल्स अबव नेट आर कॉल्ड मैन्यूरिंग मशीन्स। क्यों कहते हैं इन्हें मैन्यूरिंग मशीन? एज दे फर्टिलाइज द पॉन्ड बाय देयर ड्रॉपिंग्स। ठीक है, जो उनका एक्सक्रीटा रहता है वो जब पॉन्ड में जाता है तब वो मैन्यूर का काम करता है, वो पॉन्ड को फर्टिलाइज करता है। ठीक है, दिस इज द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, दस सेविंग द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इन फिश फार्म मैनेजमेंट। तो इस वजह से जो फर्टिलाइजेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लगनी थी हमें, वो नहीं लगती है, क्योंकि वो काम तो हमारे हेंस ही कर देते हैं, पिग्स कर देते हैं, डक्स कर देते हैं। ग्रेट, सो इंटीग्रेटेड पिग एंड फिश फार्मिंग। देखिए पिग्स को ऐसे कल्चर किया जाता है, फिर ये जो थोड़ी सी गैप यहाँ पे रखेगी, यहाँ से उनके ड्रॉपिंग्स पॉन्ड में चले जाएंगे और यहाँ पे आप फिशेस को कल्चर करेंगे, दिस देयर ड्रॉपिंग्स विल एक्ट एज मैन्यूर फॉर द फिश पॉन्ड एंड इट एक्चुअली डबल्स द इनकम ऑफ द फिश फार्मर। ओके इंटीग्रेटेड फिश एंड पोल्ट्री फार्मिंग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे फिश पॉन्ड है और ऊपर में यहाँ पे नेट लगा के चिकन्स को कल्चर किया जा रहा है। ग्रेट, लुक हियर ऑल्सो, इट इज फिश पॉन्ड, यहाँ पे शेल्टर बनाया गया और यहाँ पे चिकन है। हियर ऑल्सो इट इज डन एट वेरी लार्ज एक्सटेंट एंड इट हैज ग्रेट प्रॉफिट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज। इसमें तीन बेसिस है,
बेसिस 1, बेसिस 2 और बेसिस 3। यहाँ पे बेसिस 2 का हमें उतना ध्यान नहीं रखना, बट बेसिस 1 और बेसिस 2 हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा आने वाला है। सो फर्स्ट बेसिस मरीन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज। मरीन फिशरीज में क्या किया जाता है, सी में और ओशियन में फिशेज को कल्चर किया जाता है, एंड इनलैंड फिशरीज में रिवर में, कंट्री के अंदर ही रिवर में, पॉन्ड में, लेक्स में कल्चर किया जाता है। बेसिस 2 में दो है, फिन फिशरीज और शेल फिशरीज। फिन फिशरीज में योर ट्रू फिशेस को कल्चर किया जाता है, और शेल फिशरीज में फॉल्स फिशेस, फॉल्स फिशेस मतलब स्नेल्स हो गए, आपके क्रैब्स हो गए, उन्हें कल्चर किया जाता है। और थर्ड बेसिस कल्चर फिशरीज, कैप्चर फिशरीज, इनका रेफरेंस फर्स्ट लेक्चर में आके गया है। कल्चर फिशरीज में फिशेस को अर्ली लाइफ स्टेज से मार्केटेबल साइज अटेन करने तक उन्हें कल्चर किया जाता है, उनको उन्हें अंडर ह्यूमन केयर रखा जाता है। और कैप्चर फिशरीज में उन्हें डायरेक्ट कोई नेचुरल वाटर सोर्स से डायरेक्ट कैप्चर करके मार्केट में सेल किया जाता है। ओके, नाउ इट इज अ फैक्ट, चाइना इज नंबर 1 इन फिश प्रोडक्शन एंड इंडिया इज ऑन नंबर 2। ओके, दिस इज रियली प्राउड थिंग फॉर इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया नंबर 2 पे है तो वो चाइना से एकदम पास ही होंगी। एक्चुअली चाइना बहुत बहुत सामने इंडिया के, यहाँ पे इस चार्ट में आप देख सकते हैं, दिस इज चाइना, दिस वन इज चाइना एंड दिस वन इज इंडिया। ओके, तो इंडिया का अगर 9.1% है और तो चाइना का 55% है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप इतना सामने चाइना, बट यस इंडिया इज ऑन नंबर 2। सामने हम देखेंगे 5 मेन रिजर्व्स इन इंडिया वेयर फिशेज आर कल्टिवेटेड। ओके, फर्स्ट वन इज ब्रह्मपुत्र, सेकंड इज गंगा, थर्ड इज इंडस, फोर्थ इज ईस्ट कोस्ट एंड फिफ्थ इज वेस्ट कोस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेटेड पैडी कम फिश कल्चर। ओके, फिशेज आर कल्टिवेटेड इन द वॉटर कलेक्टेड एट बॉटम ऑफ पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप मतलब योर राइस क्रॉप। आफ्टर रिमूविंग पैडी, फिशेज और डक कैन बी कल्चर्ड इन द वॉटर। ठीक है, जब राइस को ग्रो किया जाता है फार्म में, तो राइस के लिए इसेंशियल रहता है ऑल टाइम वाटर उनके बॉटम में रहे। ठीक है, तो वो जो वाटर वहाँ पे रहता है जमा, उस वाटर में हम फिशेस को कल्चर कर सकते हैं, या फिर एक बार हमने राइस निकाल लिया तब भी वो वाटर वहां पे जमा रहता है बहुत देर तक, तो वहां पे भी हम डक्स को या फिशेस को कल्चर कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं इंटीग्रेटेड पैडिकम फिश कल्चर। ओके, लुक, दिस इज योर राइस क्रॉप, पैडी क्रॉप एंड दीज आर द फिशेस। ठीक है, ओके, दिस इज द सेम, दीज आर द फिशेस एंड दिस इज योर राइस क्रॉप, दिस इज ऑल्सो द सेम। इन्हें इस टाइप के मेथड को इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा मात्रा में किया है, इंडोनेशिया, इवन इन चाइना इट इज ऑल्सो द सेम, और अभी इंडिया में भी इसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में जो फिश कल्चर की जाती है उसके साथ साथ ही हम डक्स को कल्चर कर सकते हैं। ओके, इवन काऊ, इवन पिग एंड हॉर्टिकल्चर को भी साथ साथ कल्चर कर सकते हैं, पोल्ट्री को साथ साथ कल्चर कर सकते हैं। ओके, दिस इज अगेन अ ग्रेट सिस्टम, इंटीग्रेटेड राइस फिश चिकन फार्म। इसमें तीन चीजों को एक साथ कल्चर कर रहे हैं, सबसे पहले राइस, दिस इज ऑल राइस। ओके, दिस इज योर फिश डेन, फिश पॉन्ड है, एंड ये जो राइस है, राइस के बॉटम में फिर से पानी जमा होगा, वहां पे भी फिश जा सकती है, एंड दिस आर द चिकन। ओके, ओवर द फिश पॉन्ड। नेक्स्ट, फिश कल्चर इज ऑल्सो बींग प्रैक्टिसिंग इन सीवेज वाटर। ओके, सीवेज वाटर में भी फिश कल्चर कर सकते हैं, बिकॉज दैट वाटर इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, सो इट कंटेन्स नेचुरल फर्टिलिटी। ओके, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट यस इट इज रियल एंड इट इज रियली इफेक्टिव।
नेक्स्ट इज ब्लू रिवॉल्यूशन, नील क्रांति 1985 टू 1990 के बीच हुई थी है। इनका क्या मोटिव था इस रिवॉल्यूशन का? इंक्रीजिंग फिश प्रोडक्शन या फिर फिश यील्ड इन इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे वाटर प्लैंकटन्स। प्लैंकटन्स आर टीनी माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स विच हैव लोकोमोटरी ऑर्गन्स बट वीकली डेवलप्ड, सो दे आर डिपेंडेंट ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स। मतलब ये जो प्लैंकटन्स रहते हैं वो एकदम छोटे, मतलब माइक्रोस्कोपिक, वी कांट सी बाय अवर नेकेड आइज टू देम। ओके, तो इन्हें क्या लोकोमोटरी ऑर्गन्स तो रहते हैं बट वो एकदम वीकली डेवलप्ड रहते हैं, इसलिए वो लोकोमोटरी ऑर्गन्स को चलने के लिए, खुद के मूवमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसलिए जहाँ पे पानी बहता है वो वाटर के फ्लो पे खुद के मूवमेंट के लिए डिपेंड रहता है। एज लाइट पेनेट्रेट्स अप टू कॉलम रीजन और मिडल रीजन, सो प्लैंकटन्स आर फाउंड देयर ओनली। तो कॉलम रीजन या मिडल रीजन तक ही प्लैंकटन्स पाए जाते हैं, बॉटम रीजन में प्लैंकटन्स नहीं रहते। ओके, सो दिस इज बॉटम रीजन फीडर, दिस इज कैटफिश। ओके, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ऑन व्हाट डज बॉटम फीडर फीड सब। ओके, अब ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में भी कि बॉटम रीजन में अगर प्लैंकटन्स नहीं है तो बॉटम रीजन वाले जो है वो किस पे फीड करेंगे। ओके, जैसे बॉटम रीजन वाले कौन से थे अपने? कॉमन कार्प था, साइप्रिनस स्कॉर्पियो एंड मृगल। ओके, सो यस, जो बॉटम फीडर्स हैं दे फीड अपॉन द डिकम्पोज मटेरियल एंड अदर डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एक्सेट्रा। दीज आर द बॉटम फीडर्स। ओके, सो नेक्स्ट हम देखेंगे लाइफ स्टेजेस ऑफ कल्चर्ड फिशेस। सबसे पहले जो फीमेल एग रहता है और मेल स्पर्म रहता है, उनका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट बनता है, जायगोट फिर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में। ओके, फिर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है हैचलिंग में। सो हैचलिंग इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ अवर इंटरेस्ट। हैचलिंग में माउथ डेवलप नहीं रहता। ओके, माउथ डेवलप नहीं है मतलब इट इज नॉट अ फीडिंग स्टेज। अभी फीडिंग स्टेज नहीं तो किस चीज पे सर्वाइव करेंगे? वो सर्वाइव करते हैं उनके योक सैक पे। ओके, दिस इज द योक सैक। ग्रेट, तो योक सैक क्या है? योक सैक हैव रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, तो ये रिजर्व फूड मटेरियल को ही कंज्यूम करते हैं वो हैचलिंग्स। तो कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा जब ये रिजर्व फूड मटेरियल कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो क्या आफ्टर रिजर्व फूड मटेरियल इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, तब तक माउथ डेवलप हो जाता है और तब उस स्टेज को कहा जाता है स्पॉन। ओके, फिर स्पॉन के बाद डेवलप होते हैं, फिर स्पॉन के बाद फ्राई आता है, फ्राई फिर और डेवलप होता है, फिर बनते हैं सेमी फिंगरलिंग, और बाद में सेमी फिंगरलिंग कन्वर्ट होते हैं फिंगरलिंग में। ओके, फिंगरलिंग्स बाद में और ग्रो किया जाता है उन्हें स्टॉकिंग पॉइंट्स में, और बाद में वो कन्वर्ट होते हैं ईयरलिंग में। ईयरलिंग क्यों कहते हैं इन्हें अभी? ईयरलिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज फिंगरलिंग से ईयरलिंग बनने में लगभग 1 साल लेते हैं, 1 ईयर, इट टुक्स 1 ईयर अप्रोक्सीमेटली, देयरफॉर ईयरलिंग। फिर ईयरलिंग बनने के बाद इन्हें मार्केट में सेल किया जाता है। अब ईयरलिंग का बता दिया, आप ये भी पूछेंगे इन्हें फिंगरलिंग क्यों कहते हैं? ओके, बहुत सिंपल सी बात है, ये फिंगर के साइज का रहते हैं मोस्टली, इसलिए इन्हें फिंगरलिंग कहा जाता है। ये हाफ ऑफ फिंगर साइज रहते हैं इसलिए इन्हें सेमी फिंगरलिंग। ओके, दिस इज योर फिंगरलिंग। ग्रेट, द फर्टिलाइजेशन ऑफ गमेट्स। फिशेज में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? ओके, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिशेज। फीमेल लेज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, ग्रुप ऑफ स्पर्म्स को ही मिल्ट कहा जाता है, आर शेड ओवर द एग्स, देयरफॉर फीमेल हैव टू ले मिलियंस ऑफ एग्स एट अ टाइम बिकॉज स्पर्म मोशन डिपेंड्स ऑन द मर्सी ऑफ वाटर। ठीक है, मेनी डाइज, बहुत सारे स्पर्म मर भी जाते हैं, मेनी लीव्स द पाथ, बहुत सारे भटक जाते हैं पाथ से वो। ठीक है, एग्स कई और ले किए होते हैं और कई स्पर्म्स कई और चले जाते हैं, सो इट इज मेजर नीड टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसलिए कैसे ना कैसे फर्टिलाइजेशन के चांसेस को ज्यादा ज्यादा से ज्यादा रखने के लिए दो ही चीज कर सकते हैं, एग्स एग्स की संख्या बढ़ा सकते हैं या फिर स्पर्म्स की संख्या बढ़ा सकते हैं। तो ही होता है, एग्स बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं और स्पर्म भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है।
ओके, सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है फिशेज में. मेल फिश वेट्स टू स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग्स एंड फीमेल फिश लेज द एग्स. फीमेल फिश जैसे ही एग्स ले करती है, मेल फिश जो है वो पे स्पर्म्स रिलीज करते हैं, और ग्रुप ऑफ स्पर्म्स को क्या कहते हैं, मेल्ट कहा जाता है, और फिर उन्हें फर्टिलाइजेशन होता है. अभी हम देखेंगे पॉन्ड्स, फिश पॉन्ड्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स आर रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द फिश स्टेज इन द फिश फार्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अभी हमने फिश स्टेजेस देखे अलग अलग, जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है फिश, वैसे वैसे उनकी नेसेसिटीज भी चेंज होती है, इसलिए उन्हें बड़े पॉन्ड में रखा जाता है. सबसे पहले जो हैचलिंग्स है, हैचलिंग्स को हैचरीज में रखा जाता है. फिर जैसे जैसे वो ग्रो करती है, उन्हें नर्सरी पॉन्ड में रखा जाता है, रियरिंग पॉन्ड में रखा जाता है, और स्टॉकिंग पॉन्ड में रखा जाता है. ओके, सो फिशेस आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पॉन्ड टू अदर अंडर ह्यूमन केयर. मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्टेलिटी रेट मतलब डेथ रेट, मस्ट बी लेस एंड सर्वाइवल रेट मस्ट बी मोर. फिशेस जब एक पॉन्ड से दूसरे पॉन्ड में उन्हें ट्रांसफर किया जाता है, तब मोस्टली फिशेस का जो काउंट है वो कम हो जाता है. ठीक है, तो जो काउंट कम होता है क्यों, क्योंकि मोस्टली फिशेस सर्वाइव नहीं कर पाती कंडीशंस को. ठीक है, तो वो जो काउंट कम होता है वो नहीं होना चाहिए, ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, और सर्वाइवल रेट ज्यादा होना चाहिए. स्टॉकिंग पॉन्ड्स आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल थ्री. सो सीड्स वेरी विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिश फार्म कॉम्प्लेक्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सीड्स हैं, और कौन से पॉन्ड में कौन से सीड्स डालने चाहिए. ठीक है, तो अगर हमारे पास नर्सरी पॉन्ड है, तो हम नर्सरी पॉन्ड में डालने के लिए मार्केट से क्या लाएंगे, हम लाएंगे हैचलिंग या फिर स्पॉन. अगर हमारे पास रियरिंग पॉन्ड है, तो हम रियरिंग पॉन्ड में क्या डाल सकते हैं, फ्राई डाल सकते हैं. अगर हमारे पास स्टॉकिंग पॉन्ड है, तो स्टॉकिंग पॉन्ड में हम क्या डालेंगे, फिंगरलिंग्स डालेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ, अगर हमारे पास नर्सरी पॉन्ड है, तो हम नर्सरी पॉन्ड में फिंगरलिंग्स लाके डाल देंगे. ओके, इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ द पॉन्ड. अभी ठीक है, मॉनसून एंड द फिशेस. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कुछ फिशेस जो है वो मॉनसून में नेचुरली ब्रीड करती है, वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं. यहाँ पे मॉनसून सीजन इज ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मोस्ट ऑफ द फिशेस. ठीक है, देयर फॉर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस मस्ट बी डन इन मॉनसून. तो अभी नेचुरल कंडीशंस में तो फिश प्रेजेंट नहीं है, आर्टिफिशियल कंडीशन में वो प्रेजेंट है. तो इस वजह से जब आर्टिफिशियली हम उन्हें ब्रीड करने जा रहे हैं, तब हमें ट्राई करना चाहिए कि वो मॉनसून सीजन में ही हम कर रहे हैं. ओके, रोहू, कतला एंड मृगल आर मॉनसून ब्रीडर्स. ठीक है, दे ऑलवेज ब्रीड इन फ्लोइंग वाटर लाइक इन रिवर. अभी मॉनसून सीजन है, क्यों पर्टिकुलरली मॉनसून सीजन, क्योंकि मॉनसून सीजन में ही फ्लोइंग वाटर अवेलेबल रहता है. ओके, सो ब्रीडिंग कैन नॉट बी डन इन स्टील वाटर लाइक पॉन्ड एंड लेक्स. उन्हें ब्रीडिंग के लिए फ्लोइंग वाटर ही चाहिए रहता है. वाई ओनली फ्लोइंग वाटर, क्यों सिर्फ फ्लोइंग वाटर की जरूरत रहती है, वो देखेंगे. विथ फ्लोइंग वाटर, जब फ्लोइंग वाटर रहता है, सिल्ट इज फॉर्म विच कंटेन्स ग्रेन्यूल्स ऑफ सैंड. ठीक है, सिल्टेशन की प्रोसेस होती है फ्लोइंग वाटर के साथ, सैंड ग्रेन्यूल्स जो रहते हैं वो वाटर के साथ बहने शुरू हो जाते हैं. एंड दिस ग्रेन्यूल स्ट्राइक्स टू फिश स्किन, और ये जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं वो फिश को स्ट्राइक करते हैं. एंड दिस कॉज द स्टिम्यूलस एंड एक्ट्स एज स्टिमुलाई फॉर ब्रीडिंग प्रोसेस. ठीक है, जैसे ही फिशेस को ये सैंड ग्रेन्यूल्स स्ट्राइक करेंगे, फिशेस को समझ जाएगा कि मॉनसून सीजन आ गया है, और एंड दिस इज देयर ब्रीडिंग पीरियड. तब वो उनके उनमें जो हॉर्मोन्स है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, और वो एग्स प्रोड्यूस करेंगे और एग्स रिलीज करेंगे. देयरफॉर रोहू, कतला एंड मृगल नेचुरली ब्रीडिंग. तो कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरली ब्रीड करने के लिए चाहिए इन तीन फिशेस को, रोहू, कतला एंड मृगल को? फ्लोइंग वाटर चाहिए सबसे मेन बात, मॉनसून सीजन, ओके, एंड वेयर देयर इज सिल्टेशन. इन तीनों में से अगर एक भी चीज नहीं हुई, तो जो ब्रीडिंग प्रैक्टिस है उसके बीच में रुकावट आ सकती है. तो जब हम आर्टिफिशियली भी ब्रीडिंग करेंगे, तो हमें आर्टिफिशियली ये तीन कंडीशंस को ध्यान में रखना चाहिए. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कार्प्स क्या होते हैं, उनका ऑर्डर देखा साइप्रिनिफॉर्मिस. उसके बाद हमने हमारे तीन इंडियन मेजर कार्प्स देखे, एक्सोटिक कार्प्स देखे. इंडियन मेजर कार्प्स में हमारे लेब्योरोइता, कतला कतला एंड सीडिनस फ्रिगल. एक्सोटिक कार्प में भी तीन, और
टीनोफेरिगोडॉन इडेला, हाइपोक्टेनिथिस पॉलिटिक्स एंड साइप्रिनस कार्पियो। ओके, नेक्स्ट हम देखा मोनोकल्चर प्रैक्टिस, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। उसके बाद देखा पॉलीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है। पॉलीकल्चर प्रैक्टिस हमने अच्छे से देखा, डीपली देखा। तीन ये पॉन्ड है हमारा, ओके, तीन अलग अलग रीजन पॉन्ड के, ओके, एंड तीन रीजन में तीन अलग अलग फिशेस कौन कौन से हम डाल सकते हैं, ओके, वो भी हमने देखा। नेक्स्ट हमने देखा मोनोसेक्स कल्चर, उसके नीड्स क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट हमने देखा इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, इसको हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था है। उसके बाद देखा क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरीज, देखा हमने तीन बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद देखा इंटीग्रेटेड पैडिकम फिशरीज कल्चर। नेक्स्ट हमने देखा प्लैंकटन्स क्या होते हैं। उसके बाद देखा लाइफ साइकिल ऑफ कल्चर्ड फिशेज। नेक्स्ट देखा फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स इन फिशेज। उसके बाद फिश पॉन्ड्स देखे, तीन मेन पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड, रियरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड। वैसे रियरिंग पॉन्ड को ही रेजिंग पॉन्ड्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमने देखा मॉनसून एंड फिशेज, मॉनसून कैसे अफेक्ट करता है फिशेज के ब्रीडिंग हैबिट को। ओके देन, यही पे हमारा लेक्चर होता है समाप्त। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए एंड नोट्स को रिपीटेडली रिवाइज करते रहिए। कभी भी खाली टाइम मिले आपको तो वीडियो को इंट्रो टू स्पीड में देख लिया करो, बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।